भले ही तुम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे घर की बहन बेटियां नहीं पढ़ती हो, वो अलग की बात है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में माँ बहनें हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कि वहां पर एक लड़की जो अपने साथ रहने वाली 60 से ज्यादा लड़कियों की MMS बना लेती है, नहाते हुए नंगी वीडियो बना लेती है, और वीडियो बनाने के बाद वो लड़की शिमला में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज देती है, और जैसे वो बॉयफ्रेंड उस वीडियो को पाता है तो उस वीडियो को वायरल कर देता है सिर्फ चंद पैसों के लालच में। और इसके बाद ही खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि 8 से ज्यादा लड़कियां वहां पर आत्महत्या करने का प्रयास की है, जिनमें से 2 लड़कियों ने सुसाइड कर भी लिया है और 2 लड़कियों की जान चली गई है। मेरे भाई, तो अगर आप भी किसी बहन के भाई हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें मेरे भाई कि ये उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने में मदद कर सके। ये वीडियो इतना शेयर करें और वो लड़की एकदम कबूल भी कर रही है कि हाँ ये काम मैंने किया है, वो लड़की अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है और प्रशासन इस चीज को दबाने में लगी हुई है। प्रशासन लगातार ही इस चीज को छुपा रही है कि ये घटना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो इस घटना को दबाने के लिए लगातार ही प्रयास कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम खराब ना हो। 60 मासूम लड़कियों की MMS वायरल हो गई, इस चीज की चिंता नहीं है यूनिवर्सिटी वालों के, इस चीज की चिंता है कि हमारे यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, बदनाम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप भी कि अपने बहन बेटियों को भेजते यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में रखते हैं तो हॉस्टल की वार्डन को ये सूचित करते हैं और ये उनसे उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारी बहन बेटियां वहां पे हैं तो वहां पे सुरक्षित है, उनकी इज्जत सुरक्षित है, सही सलामत है एकदम। आप अपने घर की बहन बेटियों को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं और हॉस्टल में रखते हैं तो आप ये चिंता से मुक्त रहते हैं कि हमारी बहन बेटियां वहां पे अगर गई हुई हैं तो हमारी बिटिया एकदम सुरक्षित है, हमारी बिटिया हॉस्टल में रह रही है, उनकी इज्जत को कोई खतरा नहीं है। और सोचिए कि अगर वो खबर आपके घर पे पहुंचे कि आपकी बेटियों का नहाते हुए MMS बन गया है और वो वायरल हो रहा है, लगातार ही लोगों के मोबाइल फोन में जा रहा है, लोग देख रहे हैं आपकी बिटिया की नंगी वीडियो, तो सोचिए कितना दुख पहुंचेगा आपको। और सेम यही चीज, यही घटना हुई है वहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो भी एक दो नहीं बल्कि 60 लड़कियों के साथ। और आपसे बता देना चाहते हैं मेरे भाई, जो बगल में तस्वीर चल रही है ये वही लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के पास ये सारी घटना की वीडियो बनाकर भेजी है, सारी MMS लीक की है, और सिर्फ चंद पैसों के लिए। तो हम फांसी की मांग करते हैं इस लड़की के लिए, इस लड़की को पूरी तरीके से फांसी होनी चाहिए, और ये जो लड़का जो पैसे के लिए वीडियो को खरीदा है और वायरल कर रहा है, इस लड़के को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।